नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। इस वक्त मैं स्टेट हाईवे 32 पर हूं, जहां पर रोड बनने से पहले ही टूटनी भी शुरू हो गई है। यानी कि ठेकेदार की सबसे बड़ी लापरवाही यहां पर नज़र आई है, जो कि रोड का जब भी कार्य होता है तब यहां पर जेई को होना होना जरूरी होता है। लेकिन इस वक्त जैसे ही मीडिया में हमने सुबह से इसको कवर करना शुरू किया, तो उसके बाद इस रोड को दोबारा से बनाना जो टीम ने शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लापरवाही का है, और कहीं ना कहीं जो लोग सोशल मीडिया पर भी इसमें भ्रष्टाचार की बू तक लिखने का जिक्र कर रहे हैं, और ये जो पूरा टुकड़ा है वो मटदादू से लेकर गोरीवाला का है, तो करीब करीब ये डवाली गांव से लेकर और केरवाला तक का ये पूरे का पूरा जो टुकड़ा था वो करीब करीब 33 करोड़ की ज़्यादा से लागत से ये स्टेट हाईवे का निर्माण हो रहा है। और ये एक ऐसी सड़क है जिसने सबके हाथ खड़े करवाए हैं, यानी कि लोगों को पिछले करीब करीब 3 से 4 सालों से इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और लोगों को उम्मीद जगी थी कि अब नई सड़क बनेगी, लेकिन नई सड़क ने पहली बरसात भी सड़क झेल नहीं पाई है। तो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये सबसे पहले इस सड़क से बनने की दो तस्वीरें आप देखिएगा। एक वो तस्वीर है जिसमें हम इस रोड के उखड़ने की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इसमें जो बीजेपी के बीज निगम के चेयरमैन हैं देव कुमार शर्मा, उनको भी हमने यहाँ पर लाकर खड़ा किया, और उन्होंने खुद इसका मुआयना किया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से शिकायत करूँगा, DC से शिकायत करूँगा, और अगर ठेकेदार की इसमें कोई लापरवाही है तो हम उस पर भी कार्रवाई करवाएंगे। ये बीजेपी नेताओं का कहना है। लेकिन हमने ये भी सवाल किया उनसे कि आप तो कहते हैं कि विकास डंके की चोट पर हो रहा है, तो ये विकास आप देखिए किस तरीके से फूट भी रहा है। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है। ये मटदादू से लेकर गोरीवाला तक का रोड का वो हिस्सा है जिसमें सबसे बड़ी लापरवाही है। तो ये दोनों तस्वीरों में आपको गड्ढे नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देखिए, इस सड़क के टूटने के बाद अब ठेकेदार ने और जो लेबर ने इस सड़क को दोबारा से बनाना शुरू किया है। यानी कि लोगों की भी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि अगर आप यहाँ से गुजर रहे हैं तो आप इसमें अपनी ज़रूर पैरवी कीजिए, निगाह रखिए। एक सार्वजनिक तौर पर, जनहित के तौर पर हर किसी का फ़र्ज और नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप भी रोड बनते वक्त वहाँ पर ज़रूर उन बातों का आकलन करते रहिएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मीडिया के संज्ञान में आने के बाद इसको दोबारा से बना दिया गया है, लेकिन यहाँ पर तो पानी रुकने से पहली बरसात नहीं झेल पाई, लेकिन पीछे के हिस्से भी ऐसी तस्वीरें हैं जहाँ पर भी रोड 30 mm की लास्ट फाइनली जो लेयर बनने से पहले पहले टूटनी शुरू हो गई है। तो जहाँ पर सबसे बड़े सवाल हैं वो इस रोड के बनने से पहले खड़े हो गए हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके रोड बनने से पहले टूट रही है, तो फिर आने वाले समय में इसकी लाइफ कितनी मजबूत है, इस पर सबसे बड़े सवाल है। तो ये एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें लोग भी सोशल मीडिया पर इस खबर को दबा के शेयर कर रहे हैं, और लोग इस बात का भी सवाल पूछ रहे हैं कि ठेकेदार और जो अधिकारी हैं B&R विभाग के, उनकी सबसे बड़ी लापरवाही है कि इतनी बड़ी जो लापरवाही उजागर हुई है, पहली बरसात सड़क नहीं झेल पाई, और इसके बाद तो इतनी बरसात होनी है क्योंकि अभी मानसून का सीजन शुरू हुआ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं घोर लापरवाही की सबसे बड़ी बानगी है कि रोड बनने से पहले टूटनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में बीजेपी नेता चेयरमैन देव कुमार शर्मा ने बातचीत की, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात पर हम गौर करते हैं, और ये आने वाला समय बताएगा कि उनकी बात के बाद कितनी इसके ऊपर कार्रवाई होती है। सरकार का क्लियर कहना है, जो भी काम हो बढ़िया काम हो, काम की पूरी क्वालिटी होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है जो आपने दिखाया है, तो मेरा ये मानना है कि पूरी तरह सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, और जो भी जिसने भी जिसके पास भी ये काम है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैं अभी डबली से चला हूँ, मिसालिये जा रहा हूँ डेल्ट पे, और आप कुदरती रास्ते में खड़े थे, मैं भी देखता आ रहा था कि सड़क की यार इतनी बुरी हालत है, तो ये अच्छी बात नहीं। मैं अभी DC साहब को फोन करूँगा, और मैं कल चंडीगढ़ जाऊँगा, माननीय मुख्यमंत्री से अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं मिलूंगा, और जो भी संबंधित मंत्री है अधिकारी उनसे बातचीत करूंगा, और तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चेयरमैन साहब, 33 करोड़ से ज्यादा का बजट लगा, और पहली बरसात में ही आईना दिखा दिया सरकार ने भी ठेकेदार ने भी कितनी मजबूती से। आप तो कह रहे थे कि एक पैसे की बेईमानी नहीं होती, और ठेकेदारी प्रथा को BJP सरकार ने आगे बढ़ाया, तो ये ठेकेदारों की देनी है सर। चेयरमैन साहब देखो, अब काम कोई अगर गलत करता है तो हम लोग कभी उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। BJP का इस सरकार का क्लियर कहना है कि अच्छी क्वालिटी चाहिए, और जो भी चाहे कोई बड़े से बड़ा कोई कितना कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो,
उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जो भी इसके अंदर दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। आप भी चेयरमैन साहब सड़क पे चल के आए हो, पीछे भी कई जगह उखड़ी है, आपको लगता है कि क्वालिटी अच्छी है इसकी? देखो मेरे को भी ये पीछे महसूस हुआ और कुदरती आप यहाँ पे निरीक्षण कर रहे थे, तो देखो जो सच है वो सच ही होता है, सच को कभी भी ना छुपता है ना किसी को छुपाना चाहिए। और हम समाज हित में, देश हित के अंदर, जनता के हित के अंदर, जो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार है वो किसी का पक्ष नहीं लेती और पूरी तरह इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।